हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह पोर्टल पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं टू फॉलो द GDPR कंप्लायंस। सबसे पहले हम जाएंगे कंटेंट स्निपेट्स में, इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सर्च कर सकते हैं या खाली टर्म्स सर्च करें, आपके पास ये चार चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास ये हेडिंग है, जो हमारे पास शो हो रही होगी, जो हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा होगा, हेडिंग नहीं, जो टेक्स्ट शो हो रहा होगा, आई एग्री दिस टर्म्स एंड कंडीशन, जो टिक मार्क होगा। उसके बाद ये हमारे पास बटन होगा जिसका वैल्यू कंटिन्यू होगी, या हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होगा जो HTML में है। इधर हमें लिखना पड़ेंगी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर हम ये नहीं टाइप करेंगे तो हमारे पास टर्म्स शो नहीं होंगी। ये हम सेव कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशन की हेडिंग है। ठीक है, ये हमने जब कर दिया, उसके बाद हम मूव करेंगे साइट सेटिंग्स में। साइट सेटिंग्स में हम आगे, साइट सेटिंग्स में भी हमने टर्म्स ही सर्च करना है। टू अनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, हमें इसकी वैल्यू जो है फॉल्स से ट्रू करनी पड़ती है। सेव कर देंगे, और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई एक स्पेसिफिक डेट हो जहाँ तक जो उन टर्म्स की डेडलाइन हो सकती है, एक्सपायरेशन डेट हो सकती है, इस तरह, तो वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क करें, तो हम इस डेट को चेंज कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हर दफ़ा जब लॉग इन करें तब वो टर्म्स एंड कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करें, तो इसे हम एम्प्टी कर देंगे। और यहाँ पे हमें डेट जो है इसी फॉर्मेट में देनी पड़ती है, GMT फॉर्मेट में। तो इधर आप डेट दे सकते हैं, यहाँ आके कहते हैं इसे खाली छोड़ सकते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे पोर्टल के फॉर्म पे। पोर्टल के फॉर्म में अगर आप कॉन्टैक्ट के डिटेल्स में आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं कि किस डेट को कॉन्टैक्ट ने एग्री किया है, तो आप यहाँ पे शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो हम कॉन्टैक्ट के फॉर्म में जाके यहाँ से डाल लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन की फील्ड, और उसे पब्लिश कर देंगे। और दैट्स इट, ये हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अब ये रही हमारा टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग सेम, जब तब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करते जब तक हम इसे चेक नहीं करते। तो जिस तरह कंटिन्यू होगा तो हमारे पास हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये रही हमारे पास हमारा पोर्टल ओपन हो गया। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।